ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप मार्केट की टारगेट्स के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपको मार्केट में अगर पता चल गया कि मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट कहां तक जाएगा, मार्केट कहां से वापस आएगा, कहां तक कौन सी कैंडल जाने वाली है, कौन सी कैंडल कहां जाएगी और वहां से रिवर्सल लेगी, आपको मार्केट में समझ में आ गई तो आप मार्केट के हीरो बनने वाले हो। आपसे अच्छा ट्रेडर फिर कोई है ही नहीं, ठीक है। और मैंने अभी जो ये ट्रेड प्लेस की है, ये भी मैंने टारगेट के बेसिस पे ही प्लेस की है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना था, समझाना था कि कैसे आप जो है ट्रेड कर सकते हो। और आगे भी हम कुछ ट्रेड लेंगे, हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट के टारगेट्स के साथ ही ट्रेड करेंगे, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि मार्केट के टारगेट्स के साथ ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड ऑन मार्केट टारगेट्स, ठीक है। उससे पहले आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आपको साइड में दिख रहा होगा, और इसका लिंक, इसे ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मेरे टेलीग्राम मेंबर्स मेरे साथ ट्रेड करते हैं, कभी कंपाउंडिंग करते हैं, कभी मेरे शॉर्ट शॉर्ट्स पर ट्रेड करते हैं, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप भी उनकी तरह प्रॉफिट बनाना चाहते हो और मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, आपको साइड में मेरा टेलीग्राम दिख ही रहा होगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में मैंने एक गिव अवे भी रखा है, जिसका भी बेस्ट कमेंट लगेंगे, जो भी मुझे बेस्ट कमेंट्स लगेंगे उनको मैं $10 का गिव अवे भी दूंगा, तो उसके लिए भी आप मेरा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। आपको मैं बता रहा था कि आप मार्केट के टारगेट्स के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हो। ये जो मैंने अभी ट्रेड ली थी, अभी मैंने ये ली थी यूरो जीबीपी में, ठीक है। यूरो जीबीपी का चार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला ओटीसी का चार्ट नहीं है, बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूएसडी बीआरएल ओटीसी का चार्ट है, कैट सीएचएफ ओटीसी का चार्ट है, बट यहाँ पे ये वाला जो है ओटीसी का चार्ट नहीं था। बट ओटीसी में भी आप जो है टारगेट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, ओटीसी में अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको जो है लाइव मार्केट में बता देता हूँ, रियल मार्केट में बता देता हूँ, जो कि मार्केट लाइव चलता है उसमें बता देता हूँ, ओटीसी में नहीं बता रहा हूँ, अभी ओटीसी में आगे बताऊंगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट के टारगेट जो होते हैं वो मार्केट में चलते ही चलते हैं। कभी कभी मार्केट में एरर आ जाता है तो वहां पे आप अपनी एक आध ट्रेड शायद लूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मार्केट के टारगेट्स के साथ ट्रेड करना सीख लिया और आपने समझ लिया कि अगर मार्केट के टारगेट्स कहाँ कहाँ, मार्केट का टारगेट कहाँ तक है, मार्केट कहाँ तक जाएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल करने स्टार्ट किया तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने स्टार्ट किया तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आया तो यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मार्केट में पता लगानी है, और ये पता लगाना कौन, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के टारगेट्स होते क्या हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के टारगेट को समझना कैसे है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, इसमें आप ही का लॉस है। अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी तो शायद आप वो वाला पार्ट मिस कर दोगे, जिससे कि आप प्रॉफिट कमाने वाले हो, फिर आप प्रॉफिट के बजाय शायद मार्केट में लॉस कर लोगे, जिसके जिम्मेवार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप खुद होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम किस चार्ट पे, हम यूरो जीबीपी के चार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस वाली ट्रेड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि मैंने $100 की यहाँ पे 5 ट्रेड प्लेस की थी। ये 5 ट्रेड का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस की थी और मैंने विन की थी, वो भी कॉल डायरेक्शन के लिए, और मैं यहाँ पे किस बेसिस पे प्लेस की थी वो भी आपको समझा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा, तो चलिए यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और इसका साइज थोड़ा मैं मोटा रखूंगा ताकि आपके लिए विजिबल अच्छे से हो, और कलर मैं येलो कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसका साइज थोड़ा सा मोटा करना है मुझे। ओके, अभी मार्केट का टारगेट आपको पता कैसे लगाना है, मार्केट के टारगेट के बीच में एरर कहाँ आते हैं। अगर एरर आते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि बीच में कोई ना कोई SNR लेवल है, कोई ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को टारगेट तक पहुँचने से रोक रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको मार्केट का टारगेट क्या था, ठीक है। लाइक दिस, मार्केट का टारगेट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, मार्केट का टारगेट ये भी हो सकता है। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, अब मार्केट ने यहाँ से डाउन आना स्टार्ट किया, तो मार्केट का टारगेट कौन सा है, मार्केट इस वाले यहाँ तक, इस पॉइंट तक ज़रूर आएगा। और इसी चीज़ को कुछ लोग जो है मार्केट में मैजिक वी भी बोलते हैं, FFLC भी बोलते हैं, FFLL बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, वो यही है कि मार्केट के टारगेट्स किस तरीके से फिल हो रहे हैं। वो मैजिक वी, FFLC, FFLL ये सब एक नाम है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखना चाहें और अपने जज करना चाहें कि वो क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के टारगेट्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट ने ये डाउनफॉल स्टार्ट किया था, और ये वाली कैंडल आप देख रहे होंगे, ये वाली कैंडल तो थी, ये वाली कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे देखा, अभी क्या होता, अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता तो मैं इस वाली कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड कर लेता कि मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है, मार्केट इस वाले पॉइंट तक आ चुकी है, मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है, तो मुझे ट्रेड कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, अब इस स्पेस को फिल करने के लिए मार्केट एक और रेड कैंडल बना सकता है, तो मैंने एक और रेड कैंडल का वेट किया और यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी और मैं समझ गया कि मार्केट का टारगेट जो है कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक SNR लेवल भी आपको दिखाई
दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक SNR लेवल भी दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे मार्केट का टारगेट भी कंप्लीट हुआ प्लस यहाँ पे एक SNR लेवल है, तो ये हमारा एक शॉर्ट शॉट हुआ। शॉर्ट शॉट कैसे हुआ, ये वाला SNR लेवल आप देख रहे होंगे, ये एक SNR लेवल है और ये एक मार्केट का टारगेट है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, मार्केट ने टारगेट कंप्लीट किया, मार्केट SNR लेवल पे आया और मार्केट ने देन यहां से रिवर्सल लिया और हमने इस वाली कैंडल पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पे मैंने जो है इस पे ट्रेड ली थी। ऐसे ही मार्केट में कई सारे टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपके टारगेट्स में एरर कहाँ आएगा, मेन चीज वो है, आप ट्रेड लूज कहाँ करोगे वो चीज है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा, तो जिससे कि आप वहां पे ट्रेड अवॉइड करोगे। आप ट्रेड करोगे ही नहीं तो आप पैसा लूज कैसे करोगे, ठीक है। आप ट्रेड सिर्फ और सिर्फ वहीं करोगे जहां करनी रहेगी। अब देखिए मैं ट्रेड करने के लिए आपको कहां कहां मना करूंगा, ठीक है। पहली बात तो आपने ये समझ ली कि मार्केट का टारगेट ये था, मार्केट ने इस टारगेट को कंप्लीट किया और मार्केट जो है अपने टारगेट की ओर चल दी, ठीक है। अब मार्केट यहां से जो है वापस जाने स्टार्ट किया मार्केट। अब मार्केट का दूसरा टारगेट क्या है, मार्केट का फिर से दूसरा टारगेट ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अभी मैं एक ही चार्ट में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे चार्ट में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आपको सिखाना स्टार्ट किया तो दूसरे चार्ट में अगर मैं जाऊँगा तो चीज़ें फिर से शुरू से मुझे स्टार्ट करनी पड़ेंगी और चीज़ें वहीं से बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम अभी यूरो GBP के चार्ट पे ही रहते हैं और अभी मैं टारगेट्स की बात कर रहा था कि टारगेट्स कैसे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने ये वाला टारगेट तो अपना कंप्लीट कर दिया, ऊपर से नीचे आई यहाँ तक ये टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब मार्केट का दूसरा टारगेट यहाँ से नीचे से यहाँ तक ऊपर जाए और इस टारगेट को कंप्लीट करे, लेकिन बीच में आप अपनी कहीं ट्रेड लूज भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे मार्केट एक कैंडल जो है रेड भी बना सकता है, ग्रीन भी बना सकता है। क्यों, यहां पे आपको अवॉइड करना है। यहां पे अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक मार्केट के अंदर एक सीधा सीधा ट्रेंड आ रहा है, उसके अंदर एक लोनली कैंडल, ये आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये इसे हम लोनली कैंडल बोलेंगे और ये एक SNR लेवल का काम करती है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्यों करती है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को बारीकी से समझेंगे तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अगर चीज़ों को आप हॉस्पॉस करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं ये मेन मेन चीज़ें देख लूँ और मैं जाके प्रॉफिट कमाने लगूँ, तो मेरे भाई ऐसे तो 99% लोग 95% लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट में। आप भी उन्हीं की गिनती में आ जाओगे, आप 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की गिनती में नहीं आओगे। तो चीज़ों को बारीकी से समझना सीखो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक लोनली कैंडल बनी हुई थी, तो आप अभी यहाँ पे मार्केट के टारगेट्स पे नहीं जाओगे, आप यहाँ पे अभी लोनली कैंडल देखो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऐसे जाएगी और यहाँ से रिवर्सल ले सकती है क्योंकि लोनली कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये मार्केट का जो है टारगेट था एक, और अब ये वाला ऊपर वाला मार्केट का एक टारगेट था और देखिए मार्केट वहीं तक जा रही है सटीक तरीके से। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट एक रेड कैंडल बना सकती है। रीजन आपके सामने है, आपको मैं कई सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि ये जो डॉजी कैंडल्स होती हैं जिनकी बॉडी और विक दोनों सेम होती हैं, वहाँ पे भी एक SNR लेवल होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो डॉजी बनी हुई है। अगर दो डॉजी बनी हुई है तो भाई ये SSNR है। SSNR का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट का टारगेट ये ऊपर वाला था, मार्केट ऊपर जाना है मार्केट को, लेकिन क्या है ना, जो है रास्ते में कांटे आते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे रास्ते में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते हैं, मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेता है। तो आप यहाँ पे या तो ट्रेड अवॉइड कर सकते थे या फिर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते थे। अब रिवर्सल के लिए ट्रेड आप कैसे कर सकते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस ट्रेड को डाउन जाने दो, ओके। यहाँ पे रेड कैंडल बन गई क्योंकि यहाँ पे एक SNR लेवल था, यहाँ पे दो डॉजीज थी तो ये स्ट्रॉन्ग SNR लेवल था। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि SSNR है और मार्केट में वही सेम चीज हुई, मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कैसे जान सकते थे कि हमें अब डाउन के लिए ट्रेड करना है, डाउन के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ SNR लेवल के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, आपको यहाँ पे कई सारी चीजें जाननी थी। मैं मार्केट में आपको पूरी स्टोरी सुनाई दे रहा हूँ कि मार्केट करता कैसे, खेलता कैसे आपके साथ और आपको मार्केट के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ अप्लाई करनी थी, वो ये कि जब इसने ब्रेकआउट दिया इसे, तो हमें इस कैंडल की पावर जाननी थी कि इस कैंडल में कितनी पावर है कि ये मार्केट को और ऊपर ले जा सकती है, टारगेट तक ले जाएगी, या फिर यहाँ से एक मार्केट एक रिवर्सल लेगा, एक कैंडल का रिवर्सल लेगा। और मार्केट ने यही किया, एक कैंडल का रिवर्सल लिया। क्यों लिया, क्योंकि इस वाली कैंडल की कोई भी विक नहीं थी, आप ऊपर भी देख लो नीचे भी देख लो, तो ये साफ साफ ये चीज़ दर्शा रही है कि यहाँ पे बायर्स खत्म हो चुके हैं, बायर्स अभी नहीं है, अभी सेलर्स की बारी है, थोड़े से सेलर्स को भी आने दो। तो यहाँ पे ये सेलर्स आए, यानी कि रेड कैंडल बनी और यहाँ पे फिर से जो है एक
एक वो होगा, लेकिन मार्केट का टारगेट अभी भी आपको नहीं भूलना है, आपको ऊपर तक जाना है, आपको यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है। लेकिन साथ ही साथ आपको SNR लेवल्स का भी ध्यान रखना है। तो SNR लेवल का हमने ध्यान रखा और हमने जो है मार्केट के टारगेट्स के साथ ट्रेड किया। चलो ये तो हो गई लाइव मार्केट की बात, अब हम आते हैं OTC मार्केट पे, जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज देता है हमें प्रॉफिट पे, परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं OTC मार्केट में एज़ कम्पेयर टू लाइव मार्केट। OTC मार्केट के परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, परसेंटेज माने तो ये 91%, 91% इस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ये OTC मार्केट में हमेशा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहीं पर आपको लाइव मार्केट में इतने देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन OTC मार्केट के अंदर जो मार्केट के टारगेट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो लाइव मार्केट की तरह नहीं होते हैं। आई होप आपको लाइव मार्केट के टारगेट्स अभी ये समझ में आए होंगे, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है, वो चीज़ें भी अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं OTC मार्केट की, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको बताई दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अभी हम बात करते हैं OTC के चार्ट की। OTC के चार्ट पे आते हैं, इसमें थोड़े डिफरेंट चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं टारगेट्स होते हैं, ठीक है? अभी मैंने कोई भी रैंडम चार्ट ओपन कर लिया है, AUD USD OTC चार्ट ओपन कर लिया, इसको भी हम थोड़ा सा जो है थिक कर देंगे लाइक दिस। मैंने इसको थिक कर दिया है। अब इसको थिक करने के बाद मुझे डायरेक्ट मार्केट में एक ही चीज़ दिखी। अगर आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जो भी चार्ट ओपन करोगे आपको साफ साफ वो चीज़ें दिख जाएंगी। आप बोलोगे अरे यार मुझे तो ये दिख ही नहीं रहा था, ठीक है? लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आप जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ये लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं ये लाइन ड्रॉ बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही समझ में आ जाता है कि इस लाइन, ये लाइन यहाँ से बन रही है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस की क्या पावर है, ठीक है? ओके, तो अभी मार्केट का टारगेट की बात करते हैं हम, कि OTC मार्केट में टारगेट कैसे चलते हैं। OTC मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, वो होता है ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। तो हमें जो टारगेट्स पूरे करवाने हैं मार्केट के, वो सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के टारगेट्स पूरे करवाने हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते हैं, डाउन में नहीं जा सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अप ट्रेंड में जाना है और हमें ऊपर के टारगेट्स पूरे करने हैं, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे ये देखते जाना है कि मार्केट का टारगेट कौन सा है, वो कंप्लीट हुआ, जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही हमें जो है कॉल डायरेक्शन के लिए चले जाना है, ऊपर के लिए चले जाना है। अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब इस लाइन के पास जैसी झुक कैंडल आती, जैसे ये रेड कैंडल आई, इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया इस लाइन का, देन मार्केट में हमें यहाँ कॉल के लिए ट्रेड करना। ये वाली कैंडल आई, इसने टारगेट कंप्लीट किया, यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ था, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है, टाइम कोई भी हो, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड लेनी कॉल डायरेक्शन के लिए, आप यहाँ पे पिन कर जाते। देन सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे भी वही सेम चीज हुई, इसने मार्केट के टारगेट को कंप्लीट किया, टारगेट को कंप्लीट किया, देन हमने ग्रीन के लिए ट्रेड की, फिर से मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और इसको टारगेट को कंप्लीट किया, और फिर से जो है हम एक कॉल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको OTC मार्केट के अंदर ट्रेंड को नहीं भूलना है, और जो है लाइव मार्केट के मैंने बताया कि जैसे इसमें OTC मार्केट नहीं है तो इसमें आपको एक ही चीज़ नहीं भूलना है, वो है SNR लेवल। इसमें आप कॉल पुट दोनों के लिए जा सकते हो, डाउन आप दोनों के लिए जा सकते हो। इसमें जो है ट्रेंड का इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट के टारगेट्स को देख रहे हो तो ट्रेंड की इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन वहीं पर आप जैसे मान लो किसी उस पर जाते हैं, क्या बोलते हैं, OTC वाले चार्ट पे जाते हैं, तो आपको जो है टारगेट्स ध्यान तो रखने होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ट्रेंड भी ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है, अब मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, अब यहाँ पे क्या हुआ लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसको भी थोड़ा सा थिक कर देंगे। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, और वीडियो पूरा देखने के बाद आप वीडियो पर अच्छा सा कमेंट भी करके जाना, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपकी इस वीडियो से लाइफ चेंज होने वाली है तो आप इसे 2 बार नहीं 10 बार देखो मेरे भाई, मैं तो 50 बार भी देख लूँगा। अगर ऐसा मुझे कोई बोलेगा कि भाई इस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज होने वाली, तो मैं उस वीडियो को 10 बार नहीं 50 बार देख लूँगा, 100 बार देख लूँगा, ठीक है? तो अभी देखा हम बात कर रहे थे OTC वाले मार्केट की, तो यहाँ से OTC मार्केट में ये डाउनफॉल आया और ये डाउन, हमें ये समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब हम अप के लिए एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। हमारे मार्केट में टारगेट ये वाला बन चुका था, ठीक है? ये वाला ऊपर मार्केट यहाँ तक गया था, यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा, तो हमारा टारगेट ये बन चुका था, ये वाला टारगेट बन चुका था। मार्केट में जैसे ये टारगेट कंप्लीट होता, मतलब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले लेता, ठीक है? यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले लेता,
क्यों ले लेता? क्योंकि एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है यहाँ से, ऊपर से मार्केट का टारगेट भी मार्केट ने पूरा कर दिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक श्योर शॉट है। ठीक है, हमें कुछ इसी तरीके से ओटीसी मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। ऐसे यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बेस्ट एग्जांपल मिल गया था मुझे पहले ही चार्ट में, जो है बेस्ट एग्जांपल मिल गया था आपको बताने के लिए। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड्स ले सकते थे, जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रेंड पता चला कि एक ऐसी लाइन बन रही है, देन उसके बाद आप एक यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड ले सकते थे, और अगर इस वाली रेड कैंडल ने टच किया तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल के लिए। ठीक है, ओके। सो आई होप गाइस आपको मेरी बताई हुई चीज़ें सारी की सारी अच्छे से समझ में आई होंगी, पॉइंट टू पॉइंट आप हर एक चीज़ को समझे होंगे, और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया होगा, और आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम पे भी आ जाओ, और साथ ही साथ वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे और वहाँ से भी कुछ अच्छा सीखेंगे हम। तो आ जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस, प्राइजेक्शन की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो जो कि इसी से जुड़ी हुई, पूरा का पूरा प्राइजेक्शन मैंने खोल के रखा है बाइनरी ट्रेडिंग का, तो आप मेरे से पूरा प्राइजेक्शन सीख सकते हो मेरी सारी वीडियोज़ को देख के। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।